कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ सामने राहुल गांधी के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मानहानि केस जो सुप्रीम कोर्ट से राहुल को राहत मिली है, उस चर्चा में शामिल होने के लिए बीजेपी से जयप्रकाश यादव जी है और कांग्रेस से मनीष तिवारी जी है। इनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि जिस प्रकार राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है और उनको राहत मिली है और उनकी सदस्यता वापस संसदीय जो का सांसद फिर से बन जाएंगे, तो उस विषय पर आप चर्चा करने के लिए हाजिर है। और हमारे कार्यक्रम आरंभ होने से पहले हम आपको जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के राहुल गांधी है, भूपेश बघेल जी है और जो याचिकाकर्ता मोदी जी है, उनका पहले हम आपको बयान सुनाते हैं, उसके बाद हम अपना चर्चा आरंभ करेंगे। संविधान, लोकतंत्र और भारत के आम लोगों की ये जीत हो गई है। सिर्फ राहुल गांधी जी का जीत नहीं है, सारे भारत के जनता की जीत है और डेमोक्रेसी की जीत है और संविधान के उसूलों की जीत है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। राहुल जी सुप्रीम कोर्ट में जो आज उनको रिलीफ मिली है, निश्चित रूप से इस निर्णय का हम सब स्वागत करते हैं। छत्तीसगढ़ की भी सारी जनता को मैं मुबारकबाद देती हूँ कि आज हमारे लीडर का जो डिस्क्वालिफिकेशन है एक तरह से वापस आया। सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं। अब उनकी जो सदस्यता है राहुल गांधी जी की दोबारा से वापस आएगी। सुप्रीम कोर्ट में श्रीमान राहुल गांधी का कन्विक्शन स्टे किया गया है। इस कानूनी प्रक्रिया में हम इस सम्माननीय फैसले का स्वागत करते हैं। तो है कार्यक्रम हम आरंभ करते हैं। आपने जो राष्ट्रीय नेतृत्व है कांग्रेस के और बीजेपी के याचिकाकर्ता, उनकी बातों को आपने सुना। सबसे पहले हम मनीष जी आपसे जानना चाहेंगे कि राहुल गांधी का जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, क्या मांग रहे हैं आप? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है वो सराखों पे है। आज सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि सत्य हमेशा सत्य की जीत होती है। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये तो साबित हो गया कि नफरत हारा और प्यार एक बार फिर से जीता। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक कॉरेस्पेरेंसी के तहत, एक षड्यंत्र के तहत माननीय राहुल जी को फंसाने की कोशिश की थी, आज वो कोशिश नाकाम हो गई। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये पुनरेश मोदी, जब इनसे सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया गया कि भैया तुम्हारा नाम तो पुनरेश पटोला है, तुम पुनरेश मोदी कब से हो गए, तो ये बोलते हैं कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो हमने अपना उपनाम मोदी रख लिया। अरे भाई, जब तुम्हारा नाम मोदी है ही नहीं तो ये केस तो बनता ही नहीं है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सवाल पूछना चाहूंगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला दे दिया, आपने 24 घंटे में तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी, आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया राहुल गांधी जी के पक्ष में, तो आप सदस्यता बहाल करने में इतना देरी क्यों कर रहे हैं? और 133 दिन आप संसद से माननीय राहुल जी को जिस तरीके से षड्यंत्र के तरीके से बाहर किए, आज 140 करोड़ जनता आपसे सवाल पूछती है कि वायनाड की जनता का क्या गलती था जो इस तरीके से कॉन्स्पिरेसी में जानबूझकर राहुल गांधी के साथ आप लोगों ने जो षड्यंत्र किया वो कहां तक जायज है? तिवारी जी, हमारे साथ जयप्रकाश यादव जी भी है। यादव जी, इस फैसले को आप क्या मानते हैं? सबसे पहले इंडियन न्यूज 24 के दर्शकों को मेरा नमस्कार है। देखिए, ऐसा है कि जो ये घटना हुई है इसमें राहुल गांधी जी ने मोदी जी के सरनेम को गाली दी, मोदी समाज को, पिछड़ा वर्ग समाज को, जो छत्तीसगढ़ में साहू होते हैं उनको गाली दी। कोर्ट ने उनको सजा सुनाई, उनको कोर्ट ने सजा सुनाई और संविधान ने उनको निलंबित किया। ये भाजपा भाजपा और मोदी मोदी क्यों चिल्ला रहे हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि इन्होंने नरेंद्र मोदी जी को गाली दी है। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी जी ने इससे पहले भी
मोदी जी को चोर कहा है। इससे पहले भी इन्होंने मोदी जी को मोदी तेरी कब्र खुदेगी कहा है, मोदी जी को इतना नहीं मौत का सौदागर कहा है। आपने बार बार मोदी जी को गाली दी, कभी आप पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कभी लोकसभा के स्पीकर ने आपको सदन से बाहर नहीं किया, और इस बार ऐसा क्या हुआ? इस बार ऐसा हुआ कि आप अपने ही जाल में फंस गए। आपकी जो सोच है, जो कांग्रेस पार्टी की सोच है पिछड़ा वर्ग समाज को लेकर के, जो कि गुजरात में मोदी होते हैं, छत्तीसगढ़ में साहू जी होते हैं, वो एक तेली समाज साहू समाज को इनके अध्यक्ष ने, इनके युवराज ने गाली दी है, और कांग्रेस के भाई ओबीसी विरोधी गतिविधि में लिप्त दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। ये विषय जो है संविधान का है, ये विषय जो है संविधान का है, और हम उच्च न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट का जो है स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है वो सर्वोच्च सदन है, हम उनका पूरा सम्मान करते हैं। इस बार पहली बात तो ये है कि इन पर मानहानि का केस तो होना ही चाहिए, और जो राहुल गांधी जी हैं, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, बार बार इनकी आदत पड़ गई है, और ये जाते ही कब हैं सदन में, और कितने गंभीर हैं देश की जो जनता के विषयों को लेकर के, इनकी भावना कभी देश की रहती नहीं है, ये कुछ भी उल-उल बयान देते रहते हैं। और राहुल गांधी जी को अब चेत जाना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ के आगामी चुनाव में भी इसका परिणाम दिखाई देगा। ये जितना डिफेंड राहुल गांधी जी को करेंगे, उतना ही ओबीसी का वोट बैंक कांग्रेस से खिसकता दिखाई दे रहा है। ओबीसी समाज में बड़ी भारी नाराजगी है। आप ये कह रहे हैं, कांग्रेस के जो मेरे भाई हैं, उन्होंने अभी जो बोला कि वो मोदी हैं या दूसरा टाइटल है, मैं ये बोलता हूँ कि इन्होंने ये बोला कि भाई ये मोहब्बत की दुकान, ये कैसी मोहब्बत की दुकान है, जब आप जो है किसी एक समाज विशेष को गालियां देते हैं, और जब आपको संविधान जो है संसद की सदस्यता से मुक्त कर देता है, कोर्ट आपको सजा सुनाता है, तब आप जो है मोहब्बत की दुकान खोले, ये कैसी मोहब्बत की दुकान है? ये तो जयप्रकाश यादव जी फैलाने वाला काम कर रहे हैं। मैं आपको रोकना चाहूंगा और पूछना चाहूंगा आपसे, क्योंकि जिस प्रकार राहुल गांधी की सदस्यता तत्काल 24 घंटे के भीतर समाप्त कर दी, इसको कैसे मानते हैं? ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है, और सबसे पहले आपको मैं स्पष्ट कर देता हूँ, मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरी मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को केवल सिखाते हैं झूठ बोलो, झूठ बोलो, और केवल झूठ बोलो। ये जो है जयप्रकाश जी की बातें कर रहे हैं, विधान की बातें कर रहे हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला माननीय राहुल गांधी के पक्ष में दिया है, तो दर्द करारा समाज लगा है, केंद्र सरकार को नरेंद्र मोदी के राजनीतिक सुप्रीम कोर्ट ने चाहूंगा। मेरा सवाल है कि जिस प्रकार बीजेपी कह रही है कि ओबीसी समाज को बदनाम किया गया, उनको लज्जित किया गया, तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, वो भी ओबीसी है, तो क्या उनका भी अपमान हुआ? आप मानते हैं? बिल्कुल उनका अपमान हुआ है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, हमारी चर्चा जारी रहेगी। बिग ब्रेकिंग फॉर पेरेंट्स। सीबीएसई के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट हाइब्रिड लर्निंग डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम एंड स्किल अप इनिशिएटिव के तहत दुर्ग जिले के एकमात्र स्कूल इंदू आईटी स्कूल को सीबीएसई ने जिम्मेदारी दी है। शुरुआत में 8-12 के स्टूडेंट्स को इस योजना में शामिल किया जाएगा। इसके तहत देश की नामी कंपनियां माइक्रोसॉफ्ट, यूनिसेफ, यूनेस्को स्टूडेंट्स को वर्चुअल मोड में गाइड करेंगी। स्टूडेंट्स को प्राइवेट, गवर्नमेंट व अन्य रोजगार के बारे में जानकारी दी जाएगी। हाय स्नेहा, क्या बात है, आजकल नजर ही नहीं आती। क्या बताऊँ, मेरा तो पूरा समय बच्चे के पीछे ही निकल जाता है, पर तू बड़ी रिलैक्स दिखती रहती है, बात क्या है? वो तो रहूंगी ही ना, मैंने एक स्मार्ट डिसीजन जो ले लिया है, अपने बच्चे को इंदू आईटी स्कूल के जी बोर्डिंग में एडमिशन दिलाकर। ऐसा क्या है वहाँ जो तू इतनी रिलैक्स रहती है? अरे मेरा बेटा मॉर्निंग 7 to 5 तो वही बिजी रहता है, सबसे अच्छी बात वहाँ का एजुकेशन और रिजल्ट दोनों ही शानदार है।
हाइजीनिक ब्रेकफास्ट, लंच, ये सब डाइटिशियन की देखरेख में करता है। तुझे पता है वो बच्चों का ध्यान बिल्कुल स्मार्ट पेरेंटिंग की तरह ही रखती है। और तो और शाम को ऑफिस से आने के बाद भी कोई टेंशन नहीं, शाम को नाश्ता वहीं से करके आता है। दूसरी बात, वहाँ खेलकूद, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लासेस एंड अदर एक्टिविटीज का भी बहुत इम्पोर्टेंस है, जिससे बच्चे फिजिकली और मेंटली बिल्कुल फिट रहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बच्चों के अच्छे रिजल्ट्स के लिए कैंपस में ही ट्यूशन क्लासेस अरेंज की गई हैं, इसलिए तुम्हें बिल्कुल रिलैक्स रहती हूँ। मींस होम अवे फ्रॉम होम? हाँ, इसलिए तो मैं भी तुझे कहती हूँ, बी स्मार्ट एंड टेक द राइट डिसीजन फॉर योर किड। आखिर ये इंडो आईटी स्कूल है कहाँ? इंडो आईटी स्कूल, कुरुद रोड, कोका भिलाई, फोन 9303561235। प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए, कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा, इंदू टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 7415674157। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है मुद्दा तो कार्यक्रम में। हमारे साथ जयप्रकाश यादव जी है जो बीजेपी के नेता है और कांग्रेस से मनीष तिवारी जी है। हमारा जो आज का मुद्दा है कि राहुल गांधी को जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी, इससे लगातार कांग्रेस पार्टी में जश्न का माहौल है। ये जिस प्रकार जश्न मनाया जा रहा है, कांग्रेस के मुख्यालयों में मिठाई बांटी जा रही है, यादव जी किस प्रकार देखते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जीत हासिल किए हैं ये फैसला लेने के बाद, इस प्रकार सोच रहे कांग्रेस, क्या मानते हैं आप? भारत में सत्यमेव जयते का जो नारा है वो चिरकाल से गुंजायमान हो रहा है और सत्यमेव जयते होना चाहिए और होता रहा है और आगे भी होना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि जो जश्न मनाने वाली बात है, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता जश्न मनाने के अधिकारी हैं, परंतु उनको सबसे पहले जजमेंट को पूरा पढ़ने की आवश्यकता है। जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले इस बात को कहा है कि जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं उनको पब्लिक स्पीकिंग में मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक एक्ट 8C के तहत जो जनता का प्रतिनिधि है उसको अपनी बात जो है संयम से रखना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़े मास एक उसका जो है प्रतिनिधि होता है। और राहुल गांधी जी ने कई बार इस प्रकार की बचकाना जो है बयानबाजी पहले भी की है। राफेल वाले मामले में इन्होंने जो चौकीदार चोर है कहा था, उस पर इनको पहले भी माफी मांगनी पड़ी है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। और इस भारत के इतिहास में आपको बता दूं कि ये जो कार्रवाई हुई थी, संसद की कार्रवाई संविधान के तहत हुई थी, इससे भाजपा और मोदी जी का कोई लेना देना नहीं है। संविधान में जो एक्ट और धाराएं बनी है उसके तहत ये कार्रवाई हुई थी कि 2 वर्ष की अगर सजा होती है तो उनकी जो सदस्यता है वो बहाल नहीं होगी, निलंबित हो जाएगी। और भारत के इतिहास में पहले भी लालू प्रसाद यादव जी पर, जयललिता जी पर इसी प्रकार की कार्रवाई हो चुकी है और ये कोई नई बात नहीं है। हमारा देश जो है संविधान से चलता है और संविधान का हम सम्मान करते हैं, भारतीय जनता पार्टी संविधान का सम्मान करती है, परंतु जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और कांग्रेस पार्टी की जो सोच है वो पिछड़ा वर्ग के प्रति कितनी घृणित सोच है। छत्तीसगढ़ में ओबीसी समाज, साहू समाज के लोगों को किस भाव से ये देखते हैं, इन्होंने पूरे विश्व के लोगों को चोर कह दिया, पूरे विश्व के साहूजी लोगों को इन्होंने चोर कह दिया, तो ये जो है इसका परिणाम आगामी चुनाव में देखने को जनता के द्वारा मिलेगा और ये बहुत गलत भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय जयप्रकाश यादव जी का मैंने धन्यवाद कहना चाहूंगा, क्योंकि आज इस डिबेट में इन्होंने मान लिया कि सत्य की ही जीत होती है, सत्य में हो जाते हैं। राहुल गांधी जी
पे जीत राहुल गांधी जी को जीत मिली है। आज सुप्रीम कोर्ट ने, आज आप मेरी बात सुन लीजिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है उसमें साफ साफ कहा है कि जो 2 साल की मैक्सिमम सजा दिया है निचली अदालतों ने वो किस बेस पे दिया, तो कोई कोई जवाब नहीं दे पाया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बोलते हैं कि ओबीसी के लोगों का अपमान करते हैं, ये सरासर गलत बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के मीटिंग में केवल सिखा जाता है, नरेंद्र मोदी तो खुले मन से कहते हैं कि झूठ बोलो और सिर्फ झूठ बोलो। अरे बात करते हैं, मेरी बात सुन लीजिए, आपके बीच में मैं नहीं टोका था, नरेंद्र मोदी जब सोनिया गांधी जी को जर्सी गाय कहते हैं, जब पंजा निशान को खूनी पंजा कहते हैं, जब सदन में मनमोहन सिंह जी पर टिप्पणी करते हैं, श्री मनमोहन सिंह रेनकोट पहन के उनसे कोई सीखे बाथरूम में नहाना, एक प्रधानमंत्री जी का लहजा है, ये शुरू से गलत तरीके की बात कर रहे हैं। और कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं, कांग्रेस कभी भी इस तरीके का बयान नहीं दी, कांग्रेस ने कभी इस तरीके का बात राहुल जी ने नहीं की, या किसी का अपमान का काम कभी नहीं किया। ये भारतीय जनता पार्टी की नीयत में है, लोगों को अपमान करते हैं, लोगों को नीचा दिखाते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को इन्होंने ही माना, आज आपके सोनिया जय प्रकाश यादव जी ने मान लिया कि राहुल गांधी जी सच्चे हैं, नरेंद्र मोदी झूठा है, कांग्रेस पार्टी सरल है, भारतीय जनता पार्टी झूठी है, भाजपा का भ्रष्टाचार है। आज के सोनिया माना है कि आज सत्य की जीत हुई है, निश्चित तौर पर वर्डिक्ट से आज इनके घर में सन्नाटा भरा है। मैं आपको और तिवारी जी को रोकना चाहूंगा, और आपसे तिवारी जी से मेरा सवाल है, क्या राहुल गांधी को जिस प्रकार राहत मिली और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में खुशी देखने को मिली, जगह जगह मिठाई बैठ रहे, फटाके फूट रहे हैं, तो क्या आगामी जो विधानसभा चुनाव है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों में क्या कितना असर देखने को मिलेगा? देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट ने साबित कर दिया कि सत्य की जीत होती है। आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक तरह से खुशी खिला रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कांग्रेस पार्टी का एक संवैधानिक जीत है। जो आज सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि राहुल गांधी जी के ऊपर जो फैसला निचली अदालतों के द्वारा लिया गया था वो सरासर गलत है, वायनाड के जनता के साथ जो अन्याय हुआ है, क्या मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि जो 135 दिन तक एक चुने हुए सांसद को सदन से बाहर करना कहां तक जाया जाए। आज मैं इस चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूं कि क्या आपने वायनाड के जनता का अपमान नहीं किया, क्या आपने भारत देश के जनता का अपमान नहीं किया? और मैं बताना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ सुनिए मेरी बात खत्म कर लीजिए, छत्तीसगढ़ हो चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या तेलंगाना हो या मिजोरम हो, ये पांचों राज्यों में आज संवैधानिक जीत हुई है। आने वाले चुनाव में जो इन लोगों ने गलत व्यवहार किया है, जो अन्याय किया है, ये पांच राज्य की जनता जवाब देगी। और जैसे हिमाचल और कर्नाटक के इसको हरा कर खदेड़ने का काम की, आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी, मध्य प्रदेश से इनको हम खदेड़ेंगे, हरियाणा से इनको हम खदेड़ेंगे, राजस्थान में हम रिपीट होंगे, और यादव जी आपसे भी यही सवाल है, जिस प्रकार आज कांग्रेस में उत्साह का माहौल है, कार्यकर्ता खुश है, वरिष्ठ राष्ट्रीय जो उनके पदाधिकारी वो भी खुश है, और छोटे कार्यकर्ता भी खुश है, क्या आगामी जो विधानसभा होने जा रहा है 3 महीने बाद जो चुनाव इलेक्शन है विधानसभा का, तो कितना असर देखने को मिलेगा? बिग ब्रेक
पेरेंट्स सीबीएसई के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट हाइब्रिड लर्निंग डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम एंड स्किल अप इनिशिएटिव के तहत दुर्ग जिले के एकमात्र स्कूल इंदू आईटी स्कूल को सीबीएसई ने जिम्मेदारी दी है। शुरुआत में 8 टू 12 के स्टूडेंट्स को इस योजना में शामिल किया जाएगा। इसके तहत देश की नामी कंपनियां माइक्रोसॉफ्ट, यूनिसेफ, यूनेस्को स्टूडेंट्स को वर्चुअल मोड में गाइड करेंगी। स्टूडेंट्स को प्राइवेट, गवर्नमेंट व अन्य रोजगार के बारे में जानकारी दी जाएगी। हाय स्नेहा, क्या बात है, आजकल नजर ही नहीं आती। क्या बताऊँ, मेरा तो पूरा समय बच्चे के पीछे ही निकल जाता है, पर तू बड़ी रिलैक्स दिखती रहती है, बात क्या है? वो तो रहूंगी ही ना, मैंने एक स्मार्ट डिसीजन जो ले लिया है, अपने बच्चे को इंदू आईटी स्कूल के टी बोर्डिंग में एडमिशन दिलाकर। ऐसा क्या है वहाँ जो तू इतनी रिलैक्स रहती है? अरे मेरा बेटा मॉर्निंग 7 to 5 तो वही बिजी रहता है। सबसे अच्छी बात वहाँ का एजुकेशन और रिजल्ट दोनों ही शानदार है। हाइजीनिक ब्रेकफास्ट, लंच, ये सब डाइटिशियन की देखरेख में करता है। तुझे पता है वो बच्चों का ध्यान बिल्कुल स्मार्ट पेरेंटिंग की तरह ही रखती है। और तो और शाम को ऑफिस से आने के बाद भी कोई टेंशन नहीं, शाम को नाश्ता वहीं से करके आता है। दूसरी बात, वहाँ खेलकूद, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लासेस एंड अदर एक्टिविटीज का भी बहुत इम्पोर्टेंस है, जिससे बच्चे फिजिकली और मेंटली बिल्कुल फिट रहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बच्चों के अच्छे रिजल्ट्स के लिए कैंपस में ही ट्यूशन क्लासेस अरेंज की गई हैं, इसलिए तुम्हें बिल्कुल रिलैक्स रहती हूँ। मींस होम अवे फ्रॉम होम? हाँ, इसलिए तो मैं अभी तुझे कहती हूँ, बी स्मार्ट एंड टेक द राइट डिसीजन फॉर योर किड। आखिर ये इंडो आईटी स्कूल है कहाँ? इंडो आईटी स्कूल, क्रूज रोड, कोका भिलाई। फोन 9303561235। पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा, इंदू टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 7415674157। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है मुद्दा तो है कार्यक्रम में। आज हमारे बीच मौजूद है जयप्रकाश यादव जी भारतीय जनता पार्टी से और मनीष तिवारी जी कांग्रेस से। हमारा चर्चा आरंभ है और हम चलते हैं यादव जी के पास। यादव जी, जिस प्रकार मेरा सवाल था, क्योंकि बहस आरंभ हो चुकी थी तो सवाल का आंसर आप नहीं दे पाए, तो मेरा सवाल है कि जिस प्रकार राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी, इससे कांग्रेसी उत्साहित है क्या? आगामी विधानसभा चुनाव में इसका कितना असर पड़ेगा? आगामी विधानसभा चुनाव में इसका पूरा असर पड़ेगा। राहुल गांधी जी ने 2018 में साहू विरोधी सोच को उजागर किया था। मैं आपको बताता हूं कैसे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय ताम्रध्वज साहू जी को ये बनाने वाले थे और इन्होंने बना दिया माननीय भूपेश बघेल जी को। वहां पर राहुल गांधी द्वारा साहू विरोधी सोच उजागर हुई। उसके बाद इन्होंने जो कहा कि पूरे साहू चोर होते हैं, पूरे मोदी चोर होते हैं, इससे उनके ये जो उन्होंने किया था उस पे और इन्होंने पुख्ता कर दिया कि ये साहू विरोधी हैं, ओबीसी विरोधी हैं, और जिसकी सजा 2023 के चुनाव में जनता और साहू समाज इनको देगी। पहली बात। दूसरी बात कि ये जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, इस फैसले में जो जनादेश जो हुआ है, आदेश हुआ है, उसको पढ़ने से ये कोर्ट ने राहुल जी को जो है प्रथम दृष्टया जांच में स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि आपको मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए, ये उनको बोला है। और इन्होंने गाली दी, उसके बाद में कोर्ट ने इनको सजा सुनाई, संविधान ने इनको निलंबित किया, अब इनको सजा को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। तो इसमें जो ये कांग्रेस के कार्यकर्ता खुशी मना रहे हैं,
ये भी लोकतंत्र का ही अपमान है, क्योंकि अगर आप गाली देते हो और गाली देते हैं आप कोई व्यक्ति गलत है और वो गलत व्यक्ति यदि कोर्ट से बरी होता है कुछ दिनों के लिए उसको राहत मिलती है तो उसमें खुशी नहीं मनाई जाती, बल्कि मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कांग्रेस अभी सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लोकतंत्र की हार बता रहे हैं, इसलिए मैं इनको बोलता हूँ थोड़ा पढ़ लिख कर आए कि आज 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 इस चैनल पे एक कल्याण बोल रहे हैं, साहू समाज के लोगों को एक गाली दे रहे हैं, इस चैनल पे बोल रहे हैं कि राहुल जी ने साहू समाज के लोगों को गाली दी, शर्म की बात है। अगर ऐसा साबित हो जाएगा तो मैं जो बोलिए वो आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, मैं इनके ऊपर एफ आई आर करूंगा। अभी साहू समाज के लोगों को राहुल जी ने कभी कोई गलत बात नहीं किया, ना मोदी समाज के लोगों को कोई गलत बात किया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने राहुल जी के पक्ष में फैसला दिया है। ये गलत और बुरी बात तो सुनिए, नहीं तो बोलने नहीं दूंगा, बोल दीजिए तभी एक बार नहीं बोलता है। राहुल गांधी जी को आज सुप्रीम कोर्ट ने अभी दुखी है इससे, उनके जो गलत षड्यंत्र से उनको भारतीय जनता पार्टी ने फंसाया था उससे आज सुप्रीम कोर्ट ने करारा तमाचा मारकर भाजपा का बाल लाल कर दिया है और उनको बताया है कि हमेशा सत्य की जीत होती है, सत्य में हम जाते हैं। हमेशा ओबीसी के लोगों को नीचा दिखाने वाले लोग पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जी एक साल पत्रकार को ऊपर मारा था, ये लोग सभी छत्तीसगढ़ के ढूंढे नहीं है, हमेशा ओबीसी लोगों का अपमान करने वाले लोग और मेरे पार्टी में बिग ब्रेकिंग फॉर पेरेंट्स। सीबीएसई के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट हाइब्रिड लर्निंग डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम एंड स्किल अप इनिशिएटिव के तहत दुर्ग जिले के एकमात्र स्कूल इंदू आईटी स्कूल को सीबीएसई ने जिम्मेदारी दी है। शुरुआत में 8 टू 12 के स्टूडेंट्स को इस योजना में शामिल किया जाएगा। इसके तहत देश की नामी कंपनियां माइक्रोसॉफ्ट, यूनिसेफ, यूनेस्को स्टूडेंट्स को वर्चुअल मोड में गाइड करेंगी। स्टूडेंट्स को प्राइवेट, गवर्नमेंट व अन्य रोजगार के बारे में जानकारी दी जाएगी। ओम हनुमते नमः। बागेश्वर धाम से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी भिलाई में सितंबर में आ रहे हैं, 22, 23 और 24 सितंबर को दिव्य दरबार सवेरे लगेगा और शाम को हनुमंत दिव्य कथा होगी। तो आप इंडियन न्यूज में आप सीधा प्रसारण देख सकते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, और टाटा प्ले में भी आप देख सकते हैं कि इसमें लाइव आपको दिखेगा। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, लाखों की भीड़ होगी और जो ना पहुंच सके वो जरूर इंडियन न्यूज में देखें, ठीक है, सीधा प्रसारण आपको दिखेगा। प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदू टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर
9827194279 7415674157 ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारा जो मुद्दा तो है, कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन थोड़ा लीक से बाहर हो जा रहे हैं हमारे दोनों जो साथी, हमारे राजनीति साथी पहुंचे हमारे स्टूडियो। आप लोगों से निवेदन है कि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको भी समझ आए कि हम किस टॉपिक पे हम चर्चा करें। तो मनीष जी, हम आपसे आपके पास आते हैं और आपसे पूछते हैं कि जिस प्रकार पूरे देश में, फिर मेरा वही क्वेश्चन है, तो जिस प्रकार पूरे कांग्रेसी उत्साहित है, तो जो लोकसभा चुनाव है इसके विधानसभा के बाद, तो कितना सीट कांग्रेस लेके पहुंचेगी सदन में? देखिए, कांग्रेस पार्टी पिछले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाई थी। 65 से ज्यादा सीटें, लगभग 68 सीटें हम जीते थे और इनको 14 पे रोक दिए थे। इस बार तो इनका हर एक सीट पे जमानत जब्त होगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे पार्टी के चुने हुए सांसद माननीय राहुल गांधी जी को लगातार हम मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं। मैं बोलूं नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, तो क्या ये गलत बात है? ये सही डिबेट है? ये जैसे राहुल गांधी मुर्दाबाद बोले, लाइव चल रहा है, आप शब्द का प्रयोग ना करें, आप शब्द का प्रयोग, हाँ चलिए, ये राहुल गांधी मुर्दाबाद बोल रहे हैं, कौन से विद्यालय में पढ़ गया है? अगर मैं बोलूं नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, अगर मैं बोलूं अमित शाह मुर्दाबाद, अगर मैं बोलूं भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, देखिए बात मुद्दों पे करना पड़ेगा, बात मुद्दों पे होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए राहुल गांधी मुर्दाबाद की नारा लगा रहे हैं, अगर मैं बोलता हूँ नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मैं बोलता हूँ अमित शाह मुर्दाबाद, मैं बोलता हूँ भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, अगर ये हमारे नेता का अपमान करेंगे, अगर ये हमारे नेता के बारे में गलत बोलेंगे, दोनों पार्टी के नेता सम्मानित जनता जो है, भारतीय जनता पार्टी को इस बार प्रदेश सीट से छत्तीसगढ़ की जनता जमानत लगेगी। इनको जवाब दे दीजिए, वो बोलेंगे नहीं, वो मशीन है, विपक्षी पार्टी को गाली देना, विपक्ष के नेताओं को गाली देना, संघ के शाखा में यही सिखाया जाता है, संघ के शाखा में यही सिखाया जाता है कि गाली देना, संघ के शाखा में यही सिखाया जाता है कि डिबेट करने जाओ तो विपक्षी पार्टी को गाली दो, उनके नेताओं को गाली दो। क्या नरेंद्र मोदी जी ने यही सिखाया आपको? क्या भारतीय जनता पार्टी ने यही सिखाया आपको कि विपक्षी सांसदों को गाली दो? आज छत्तीसगढ़ सरकार हमारे जनता जनता बनाई है, आप गाली दो, आप नरेंद्र मोदी के पिट्ठू लोग गाली देने का काम करते हो, किसी गाली दो गया, गाली बिल्कुल नहीं सुनेंगे, बिल्कुल गाली नहीं सुनेंगे। आप छत्तीसगढ़ के साहू समाज को, छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज को सबको गाली दे रहे हो, बड़े होंगे कांग्रेस पार्टी के नेता को गाली दे रहे हो, आप गाली आप नहीं सुनेंगे, हम गाली बिल्कुल नहीं सुनेंगे, बिल्कुल गाली नहीं सुनेंगे। जय प्रकाश यादव यहाँ टिकट दे रहा हो, हमारे नेता को गाली दे रहे हैं।